नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन। आपको जो फाइलिंग करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, दैट इज DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, एंड डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफ द प्रमोटर और रजिस्टर होना चाहिए, एंड बोथ DIN, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर और जो आपका डिजिटल सिग्नेचर्स जो है, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स पोर्टल। तो यानी कि अगर आप जब भी कंपनी रजिस्टर्ड करने जा रहे हो, आपको पर्सन तो चाहिए है, 2 पर्सन और 7 पर्सन इन द पब्लिक केस आपको वो चाहिए। पर्पस भी आपका लॉफुल होना चाहिए, लॉन्ग विद बाकी डॉक्यूमेंट के साथ साथ लॉन्ग विद आपके पास जो है DIN, यानी कि जो डायरेक्टर्स को नंबर मिलता है। डायरेक्टर्स का अपना तो नाम होता ही होता है, लेकिन अगर वो एक डायरेक्टर्स कंपनी के डायरेक्टर्स है, दे हैव देयर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, उनका अपना एक डायरेक्टर्स का अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, अकॉर्डिंग विद देयर डिजिटल सिग्नेचर्स, जो डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफ प्रमोटर्स है वो होने चाहिए, एंड दे शुड बी रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स पोर्टल। और उसके बाद जो है, अगर आपको ये सब मिल जाता है, तो उसके बाद जो है, दैट इज द कम अंडर सेक्शन 4, जो सेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट है वो स्टार्ट होती है। और सबसे सेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज द अवेबिलिटी ऑफ द नेम, अवेबिलिटी ऑफ द नेम। इफ यू सी सेक्शन 4, इफ यू ओपन योर बेयर इट, और सेक्शन 4 अगर आप देखते हैं, सेक्शन 4 जो है अगर आप देखते हैं, तो सेक्शन 4 जो है आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बता रहा है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको ये क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा सेक्शन 4 की, आपको जो रिक्वायरमेंट है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए, कि आपको एक MOA बनाना पड़ेगा, और MOA में यू हैव टू बी राइट द नेम ऑफ द कंपनी, वेदर द कंपनी इज अ लिमिटेड वन, वेदर द कंपनी इज अ पब्लिक लिमिटेड वन, वेदर द कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड वन। तो आपको ये जो है लिखना पड़ेगा। और दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि प्रोवाइडेड दैट अगर इसमें देखो, तो आपको जो है इसका अगर आप बी पार्ट देखते हो, कहता है द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच द कंपनी इज टू बी प्रपोज टू इनकॉर्पोरेटेड, एंड द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड, और शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी शुड बी मेंशन। यानी कि आपको जो है एक MOA बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग सेक्शन 4 के हिसाब से, जिसमें यू हैव टू बी मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम मेंशन करना पड़ेगा, यू हैव टू बी मेंशन वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और इट इज अ पब्लिक कंपनी और इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन यू हैव टू मेंशन द ऑब्जेक्ट किस पर्पज से कंपनी एस्टेब्लिश करी है उसको लिखना पड़ेगा, लाइबिलिटीज यू हैव टू बी मेंशन ऑन दैट। और अगर आप एफ पार्ट देखते हो, तो कहता है अगर इफ इट इज अ 1 पर्सन कंपनी, अगर 1 पर्सन कंपनी है, देन द पर्सन नेम, यानी कि नॉमिनी का जो भी नाम है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद MOA के साथ साथ जो है, MOA जो है बेसिकली अगर आप सेक्शन 4 को देखें, तो सेक्शन 4 जो है MOA को डील कर रहा है, और इसके साथ साथ जो है MOA जो है इट इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो एक चार्टर है या प्रैम्बल जिसे हम बोलते हैं वो कंपनी का है, और इसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव, डायरेक्टर्स के नेम, एड्रेस, रजिस्टर्ड जो ऑफिस है उसका जो एड्रेस या कैपिटल, नेचर ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स हुए, और ये जो है सब जो है ये सब मेंशन किया जाता है। उसके अलोंग विद जो है मैंने आपको पहले बताया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो रूल्स और रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी चाहिए, जो आपको रूल्स और जो रेगुलेशंस हैं जो इंटरनल मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं उसके बारे में आपको बताता है। एंड जो साथ साथ में एक डिक्लेरेशन मींस दैट इज द फॉर्म, दिस इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, दिस इज अ फॉर्म व्हिच इज गिवन बाय द एडवोकेट्स, चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट और कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बेसिकली एक डिक्लेरेशन देते हैं, जिसमें दे आर टेलिंग यू अबाउट द
अबाउट द मैनेजर्स डायरेक्टर्स आर्टिकल्स सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, इन सारी जो है डिटेल्स के बारे में जो इसमें बताया जाता है, कौन कंपनी का जो है कौन एडवोकेट है, कौन चार्टर अकाउंटेंट है, कौन डायरेक्टर है, कौन जो है डायरेक्टर है और कौन मैनेजर है, कौन कंपनी का सेक्रेटरी है, दे ऑल द डिटेल्स आर गिवन इट अलोंग विद दिस दैट एफिडेविट हैज टू बी सबमिट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. एफिडेविट भी सबमिट किया जाता है जिसमें दे हैव टू बी मेंशन जो है दे हैव टू बी मेंशन द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर. फर्स्ट डायरेक्टर जो है उसका नाम मेंशन होता है उसमें. एंड दे हैव टू बी मेंशन ऑल्सो कि दे हैव नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कि वो किसी तरीके के ऑफेंस में दे हैव नॉट कमिटेड एनी काइंड ऑफ फ्रॉड or they have not committed any kind of fraud or breach of any duty related to the company. Company act ke andar koi bhi jo unko duty di gayi hai or they are not found any kind of guilty relating to that for the purpose of punishment. Kisi bhi tarike ki koi bhi unhone aisa koi bhi kaam nahi kiya hua jis purpose unko conviction of offense hua ho ya koi unhone fraud kiya ho ya breach of duty ki ho jo which is provided under the Companies Act. फिर उसके बाद जो है जो अनदर डॉक्यूमेंट विच इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन दैट इज द एड्रेस. एड्रेस से रिलेटेड द कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है वो भी देना जरूरी है. फिर उसके बाद जो नेम ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो पर्टिकुलर्स है, नेम हो गया, उनका सर नेम हो गया, फैमिली का नेम, देयर एड्रेस, नेशनैलिटी, जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका जो है उनका नेम जो है अलोंग विद देयर आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के साथ जो है दिस डॉक्यूमेंट हैज टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन. ठीक है. फिर उसके बाद जो आपको मैंने बताया कि पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, जो फर्स्ट डायरेक्टर जो है उसका नाम, उसका सरनेम, उसका एड्रेस, वो सारे मेंशन करने हैं आपको. फिर द पावर जो है, अगर इन केस यू हैव गिविंग सम पावर टू समवन थ्रू योर अटॉर्नी, अगर आप अटॉर्नी के थ्रू किसी को पावर दे रहे हो किसी पर्सन को या एडवोकेट को या चार्टर अकाउंट को या किसी सेक्रेटरी को, तो यू हैव टू बी मेंशन और वो जो डॉक्यूमेंट है दैट शुड बी अ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर. आप जो है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे वो जो लिख के दे सकते हो. देन उसके बाद जो है अलोंग विद दिस कि जो डायरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर है या उससे रिलेटेड, अगर आपके आपके बीच में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा, होल टाइम डायरेक्टर पूरी पूरे जो टर्म के लिए डायरेक्टर कौन होगा, कौन मैनेजर होगा, अगर आपके आपस में इनके बीच में अगर किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ है दैट शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पर जो है दिस इज की इफेक्ट ऑफ ये, दिस इज द बेसिक प्रोसीजर विच शुड बी फॉलो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. देन जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन है, दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 2 में जो है इसके बारे में आपको बताया. इफ यू सी सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 अगर आप देखते हैं, तो सबसेक्शन 7 जो है 2 अगर आप देखते हैं तो सबसेक्शन 2 आपको बोलता है द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन फाइल अंडर द सबसेक्शन 1 शैल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन रिसीव टू इट दैट सबसेक्शन इन द रजिस्टर एंड इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द इफेक्ट दैट द प्रपोज्ड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. तो यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी फॉर्मेशन से रिलेटेड जो है, जो भी कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1. सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में प्रोवाइडेड किए गए हैं आपको. अगर आप सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट सबसेक्शन 1 में जो दी गई है वो रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करते हैं तो उस सिचुएशन में सबसेक्शन 2 के अंदर जो है सर्टिफिकेट जो है आपको इनकॉर्पोरेशन का जो है वो इश्यू हो जाता है और इट इज इश्यूड बाय द रजिस्ट्रार. जो है रजिस्ट्रार जो है आपको इसको इश्यूड करता है. देन द थिंग इज दैट द इफेक्ट जो है once a company जो है
अगर इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है और उसको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, तो उस सिचुएशन में वंस अ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, तो उसके बाद जो है रजिस्ट्रार के द्वारा सर्टिफिकेट देने के बाद कंपनी को जो है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिल जाता है, विच इज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंपनी, जो कि डिफरेंट होता है, एंड विच इज ऑल्सो मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के अंदर जो है मेंशन किया जाता है, और इस सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट है फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसका जो इफेक्ट है विच इज गिवन अंडर सेक्शन 9 के अंदर जो है इसका इफेक्ट दिया गया है, और दैट इज जो है ये है कि फर्स्ट जो है द कंपनी बिकम अ कॉर्पोरेट, वंस अ कॉर्पोरेट, वंस अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज बिकम अ कॉर्पोरेट एंड इट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सालमन एंड सालमन केस में भी, लीगल आइडेंटिटी वाला, कि कंपनी जो है एक अपने आप में एक डिफरेंट कॉर्पोरेट बन जाती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर हो जाती है, एंड ट्रीटेड एज अ लीगल पर्सन इन द आई ऑफ द लॉ। कंपनी जो है इट इज ट्रीटेड एज अ लीगल पर्सन इन द आई ऑफ द लॉ, और कंपनी हैज इट्स ओन सील, कंपनी की अपनी एक सील होता है, कंपनी हैज इट्स ओन नेम, और परपीचुअल सक्सेशन इज देयर, कि जिस तरीके से किसी भी डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर के डेथ से या चले जाने से कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं होता, कंपनी सेम वैसी की वैसी रहती है, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स के एड ऑन होने से या उनके स्टक आउट होने से कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कंपनी विल बी रिमेन एज इट इज, एंड कंपनी हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी, कंपनी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है उसके नाम पे व्हेन इट्स गॉट इनकॉर्पोरेटेड, और जो मैंने हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द कंपनी कैन सू एंड सूड बाय द पर्सन एंड द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो टोटली जो है कंपनी जो है अपने जो मेंबर्स हैं उनसे अलग हो जाती है। सो दिस इज द बेनिफिट विच इज प्रोवाइडेड बाय द रजिस्ट्रेशन, इफ द कंपनी इज रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 7, अगर कंपनी जो है एक रजिस्टर्ड हो जाती है, दैट इज अंडर सेक्शन 7 में आपको जो है बताया गया द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 7 जो है उसके बारे में डील कर रहा है, एंड द सर्टिफिकेट के बारे में जो बात की जा रही है दैट इज प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में बात की जा रही है, एंड द देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 जो है इस बारे में डिस्कस कर रहा है कि वंस अ कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, अगर कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है तो उस सिचुएशन में व्हाट विल बी द consequences. If you see section 9, that is tell you the effect of the registration. Effect of the registration keh raha hai, for from the date of incorporation mentioned in the certificate of incorporation, such subscriber to the memorandum and all the person as may from the time to time become a member of the company shall be a body corporated by the name contained in the memorandum, capable of exercising all the function of an incorporated company under the act, and have perpetual succession with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable, tangible and intangible, to contract and to sue be and by the said name. यानी कि आप कंपनी जो है अपने नाम पर इमूवेबल, चाहे मूवेबल, चाहे टेंजिबल या इनटेंजिबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल आप लोगों को पता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल यू नो? Yes, ma'am. क्या है बसंत, टेंजिबल और इंटेंजिबल? एक मिनट, झा रोशन टेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, आई डोंट नो, शुभम टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, शुभम 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 मैम, द थिंग वी कैन टच टेंजिबल एंड अपोजिट इज इंटेंजिबल, आई थिंक अपोजिट इज टेंजिबल। बेटा 5 में से ना एक नंबर ही दूंगी फिर मैं,
पेपर मेरे पास चेक करने आया तो ऐसे जवाब दिया तो टेंजिबल मीन्स विच वी कैन टच एंड इंटेंजिबल इज ऑपोजिट टू इट. वाह क्या आंसर दिया. सूर्य वर्मा शौर्य सॉरी शौर्य वर्मा I think the person know the things Shaurya Verma. I'm not having physical presence. Shaurya, tangible or intangible property? Tangible property are those like physical property which can be touched and felt, like vehicles, furniture, and intangible like that do not exist in physical form. Like, Rukhsar Parveen. Thank you, Shaurya. Rukhsar Parveen. रविकांत पांडे प्रज्ञा. यस मैम. हेलो. यस मैम. हाँ जी. टेंजिबल और इंटेंजिबल. रविकांत पांडे. हेलो. यस मैम. टेंजिबल मींस मैम इंटेंजिबल व्हिच वी कैन सी फेल्ट लाइक मनी एंड प्रॉपर्टी व्हिच like it's seen by the eyes, like it's tangible. Intangible means ma'am physical presence nahi hai ma'am. Intangible TPA padha aap logon ne? Yes ma'am. IPR pad rahe ho? No ma'am. IPR optional hai ki wo hai compulsory hai? मैम आईपीआर एक्चुअली आया नहीं है अभी तक. ऐसे कैसे हो सकता है सेकंड ईयर में आया ना हो. हो नहीं सकता. बसंत कुमार. शुभम. यस मैम. आईपीआर ऑप्शनल है मेरे ख्याल से आप लोगों को है ना. मैम सेकंड सेमेस्टर में. मैम सेम में तो है नहीं. सेकंड सेमेस्टर में तो यानी पढ़ लिया फिर आप लोगों ने आईपीआर. मैम सेकेंड मीन्स नेक्स्ट सेमेस्टर जो आने वाला है अभी. नहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में. हाँ जी बसंत या शुभम दोनों में से कोई भी बता दो टेंजिबल और इंटेंजिबल मीन्स. यस मैम. सो मैम टेंजिबल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर अवेलेबल इन फिजिकल फॉर्म एंड वी कैन इनिशियली द बेसिक डेफिनेशन इज दैट द प्रॉपर्टी विच कैन बी टच बाय द एनी पर्सन जस्ट लाइक प्लांट एंड मशीनरी एंड मैम बिल्डिंग लैंड. And ma'am, intangible assets or properties are those properties which cannot be touched directly, ma'am, just like goodwill and trademark. Tangible जो है आपकी normal जो हम कहते हैं immovable property हो गई आपकी vehicle हो गया जिसको आप touch कर सकते हो. But intangible which you cannot touch आपका patent, copyright, trademark. ये भी तो प्रॉपर्टी है ना आपकी मर्जी के बिना. आप अगर मेरा मटेरियल आप ले लोगे या मैं किसी का मटेरियल ले लूंगी दैट्स अ कॉपीराइट. पेटेंट व्हाट इज इट इनटेंजिबल. सो टेंजिबल प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी जिसको हम कह रहे हैं मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी जो भी अवेलेबल है. और इनटेंजिबल दो विच नॉट टचेबल वी कैन नॉट टच फिजिकली बट द प्रॉपर्टी विच इज सिक्योर्ड बाय द लॉ. इनटेंजिबल द प्रॉपर्टी विच इज क्रिएटेड बाय द माइंड. इंटेंजिबल मीन्स ठीक है. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि वंस द प्रॉपर्टी व्हेन द वंस द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है तो कंपनी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी खींच सकती है मूवेबल इमूवेबल इंटेंजिबल एंड टेंजिबल प्रॉपर्टी.
So it gives a separate legal identity to the company. This is all about the formation and incorporation of the company. तो कंपनी की जब फॉर्मेशन है उसकी फॉर्मेशन के पीछे जो है प्रमोटर्स का हाथ होता है और प्रमोटर्स जो है द पर्सन्स हु हैव अ आइडिया और द पर्सन हु हैव प्लानिंग द पर्सन्स हु आर कलेक्टिंग द फंड्स द पर्सन हु मैनेजिंग द पीपल कलेक्टिंग द रिसोर्सेज और मेंटेनिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपका MOA है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है डिक्लेरेशन है प्रोस्पेक्टस है एफिडेविट है डायरेक्टर्स पर्टिकुलर्स हैं आपके सो विच इज गिवन अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में जो है आपको प्रोवाइड किया गया है एंड वंस द कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड और अगर जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है विच इज द सर्टिफिकेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में आपको प्रोवाइड किया गया है एंड द इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन दैट इज की इट्स अ गिव अ लीगल सेपरेट आइडेंटिटी जो है कंपनी की बन जाती है और कंपनी अपने नाम पे और अपने से नाम पे प्रॉपर्टी खींच सकती है कोई भी उसको सू कर सकता है That is given under section 9. This is all about for today. Tomorrow we will do the case. जो इस particular आपके topic में जो case दिया गया है, Erlanger versus New Somrio Phosphate Company. We will do the case tomorrow. ठीक है, case जो है हम लोग कल करेंगे. ईशांग, अगर बाकी किसी ने कुछ question put करना हो या कुछ add on करना है वो कर सकते हो आप लोग. ईशांक कुमार झा पूछो अपना क्वेश्चन सॉरी एक मेरे पास और ईशांक In case of once the employees reach maximum number of limit, that is 50, as it reach 51 and 52 and more than 50, then it become a public company or it remains here as a private company. Basant, answer dena chahoge? Basant Kumar, Basant, Shubham, Yash, Hari Aroda. बसंत शुभम मैम इट विल कन्वर्ट टू पब्लिक कंपनी सो इज देयर एनी प्रोसीजर दे नीड टू फॉलो और दे वंस इन नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय गॉट रीच दे ऑटोमेटिकली बिकम अ पब्लिक कंपनी या automatically it become a public company Shubham Ayanshu Isha Thakur Ayanshu Isha Thakur yes ma'am answer dena chahoge मैम क्वेश्चन नहीं समझ आया उनका लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन चौथ यस मैम मैम झा इज आस्किंग सम क्वेश्चन जस्ट लिसन मैम देन आई डिडंट गेट हिज क्वेश्चन हां ही इज रिपीटिंग द क्वेश्चन ओके मैम रोशन कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन वैसे तो हरि ने सही दिया है But ma'am, I'm not satisfied because once the company got formatted by any of the two people at the time of it's a public, right? So ये provision तो है ये तो provision है नहीं जहाँ provision है ये provision है and you have to be go through that see it is not in our syllabus so we are not going in detail. But there is a possibility that a private company converted into the public company also. But some requirements are there. Some requirements has to be fulfilled. Even though the public company can be converted into the private company also. Wo ho jata hai,
लेकिन जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको इतने डिटेल में नहीं कर रहे हैं, लेकिन इफ यू वांट टू एनहांस योर नॉलेज. मेरा एक और क्वेश्चन है इस पे. हाँ मैम, अगर अगर कोई कंपनी है, अगर उसमें कोई एक एम्प्लॉय है, अगर वो 50% है उस कंपनी के अंदर, एंड वन एम्प्लॉय ही ऑलरेडी सबमिटेड द रेजिग्नेशन बाय पुटिंग हिमसेल्फ फॉर द वन मंथ बिफोर, दैट मींस कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी के वन मंथ होता है, किसी का टू मंथ होता है, अगर वो रेजिग्नेशन सबमिट करता है और उसी मंथ अगर सपोज करो कोई एम्प्लॉय रीजॉइन होता है, और अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज है वो रीच कर जाता है, तो क्या अगेन वो प्राइवेट कंपनी रहेगी या फिर ही बिकम अ पब्लिक कंपनी? तो मुझे एक बताओ, तुम्हारा बैकग्राउंड जो है कॉमर्स का है या किसका है, साइंस का? मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी. यू हैविंग योर ग्रेजुएशन फ्रॉम योर कॉमर्स और योर फ्रॉम द साइंस और फ्रॉम द आर्ट्स, व्हिच फील्ड यू हैव साइंस ग्रेजुएशन? साइंस कंप्यूटर साइंस. साइंस, ठीक. यश चौहान, यश. हेलो. यस मैम. हाँ यश, झा का आंसर देना चाहोगे क्वेश्चन का? मैम एक अपने आप शायद नहीं है. शुभम जायसवाल. यस मैम. शुभम जवाब देना चाहोगे झा का? नो मैम. शुभ झा, एक काम करो प्लीज, आप मुझे एक चैट बॉक्स yes, में अपना जो क्वेश्चन है वो लिख दो, क्वेश्चन है जो लिख दो प्लीज. झा इज राइटिंग सम क्वेश्चन, ही हैविंग सम क्वेरी, एंड दिस इज एन होमवर्क फॉर ऑल ऑफ अस. दोस्तों अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें. इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए नए अपडेट्स मिलते रहें. और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. धन्यवाद.